कैमरा स्टार्ट है, कैमरामैन। तो नमस्कार दोस्तों, फटी चादर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त पांडे जी का बेटा छप्पन पकड़ के लेता कैमरा मैन पूछ की राज के साथ। तो कोरोना ज्यादा आप देख सकते हैं दिन ब दिन कोरोना कितना बढ़ चुका है। तो मैं चलते हैं हम लोगों से उनकी राय जानने, कोरोना काल में उनका मतलब क्या से क्या बिगड़ चुका है, क्या उनका फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कोरोना उनका लगता क्या है, हमें जवाब चाहिए। उसका चाचा लगता है, मामा लगता है, बुआ लगती है, मौसी लगती है, क्या लगती है, सॉरी। तो हम लोगों से उनकी राय जानना चाहते हैं कि देखते हम बिहारी भैया से उनको। अरे कैमरामैन रुक जा पीछे दीवार है, दीवार है। अरे पुचकीराज जी ठीक है? हाँ जी। कहीं चोट तो नहीं लगी? थोड़ी लगी, आप रिपोर्टिंग करो। अरे ठीक है ना, तो रिपोर्टिंग करो। गुस्सा काहे कर रहे? तो चलिए पक्का ठीक है ना? ठीक है ना तुम्हारी? तो चलिए हम यहाँ पे दिख रहे बहुत वेल एजुकेटेड बिहारी भाई हैं। तो हम इससे हाल जानना चाहते हैं कोरोना में इनका क्या से क्या हो रहा है। तो बने रहिए फटी चादर न्यूज के साथ। तो चलिए आ जाओ। तो भैया ये क्या कर रहे हो? अरे अरे नाराज ना आइए। चलो पहले नाम बताइए। चौधरी 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 चमन 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 चौधरी। अरे माफी चाहेंगे, माफी चाहेंगे। गलती इंसान से ही होती है भैया, कोई बात नहीं। आप सो गया भैया, कोई बात नहीं, हमारा दिल और बहुत बड़ा है। ठीक है ठीक, बैठिए आप हमारे साथ बैठिए। क्या बोल रहे थे आप? जैसे कि आप देख सकते हैं कोरोना दोबारा आ चुका है। तो आपका क्या विचार इसमें कि आपका क्या क्या से क्या हो रहा है आपके जिंदगी में? यार देखो कुछ नहीं बदलने वाला भैया, जिंदगी एक ही है, ठीक है? तो ज्यादा क्या हो जाएगा? अरे हमारा रोजगार बंद हो जाएगा, धंधा बंद हो जाएगा। अरे बेरोजगार बनेंगे, पहले कौन सा बहुत कमाते थे यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्या बोलना चाहते हैं? मतलब बोलना क्या चाहते हैं? बोलना ये चाहते हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा। पहले भी बेरोजगार थे, अब भी बेरोजगार है। पहले भी बाप के पैसे में मरते थे, अभी भी बाप के पैसे में पलते हैं। बोलो काम डाउन, मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाहते हैं? हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा हौसला रखिए। आगे बोलिए यार। तो पहले आप शांत रहिए और बताइए कि जनता ध्यान क्यों नहीं दे रही है इस चीज में, कि मास्क क्यों नहीं डाल रही है, डिस्टेंस क्यों नहीं बना के रख रही है, और क्यों ऐसे घूमी जा रही है, आप बताइए। अभी ना हमारा मन कर रहा है तुम्हारे कैमरा मैन के चप्पल खींच के मारे। क्या कर रहे हो? जनता को तुमको रिपोर्टिंग करनी आती है? अरे चुप रहो यार। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अनमोल, जिनके बहुत बड़े बड़े हैं अरमान। आज हम आपके साथ आएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। ए भैया इधर आओ यार। अरे इधर। अरे हमारी बात सुनिए, अब आपका रिपोर्टर गिरी हो गया खत्म, ठीक है? अब हम बनेंगे रिपोर्टर। ये जो ये है ना भैया, अरे सुनो, तुम हो जनता। हाँ माफी चाहेंगे, आपकी ज्यादा ही कर ली है। चल चल चल। इधर इधर बाहर कैसे घूम रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम हैं बाहर घूम रहे? इधर खड़ो, और हमारा रिपोर्टर पूछेगा तो चुप रहिए। औकात में रहो, चलो औकात। सुनो कोरोना चल रहा है, तुम बाहर घूम रहे हो हैं? हाँ जी। सावधानी कहाँ है तुम्हारी? सावधानी कहाँ है? कहाँ है सावधानी? जनता सवाल का जवाब चाहती है, बताओ कहाँ है? पूछता है भाई, आप चिल्ला क्यों रहे हैं इतना? अरे रिपोर्टर है भैया, रिपोर्टर चिल्लाते हैं, देश को न्यूज बताते हैं। अरे हम फेक न्यूज वाले थोड़ी हैं। प्रिकॉशन क्या रख रहे हो जी? हम डिस्टेंस बना के रख रहे हैं। अच्छा, अकेले बैठ रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। और क्या कर रहे हो? और बस भगवान का नाम ले रहे हैं। अच्छा भगवान का नाम ले रहे हो, ये देख रहे हो क्या कहते हैं? छोड़ छोड़, इसे क्या कहते हैं? हमारे ख्याल से इसे मास्क कहते हैं। तो इसे ना बेटा जी, इसे पकड़ के ऐसे। और चलो माना बेरोजगार है, ठीक है? हम अब बेरोजगार है, फिर भी आपने कोरोना में लॉकडाउन के बीच में कुछ तो किया होगा, आपका कुछ तो प्लान होगा ना करने का? हाँ जी। कब कब का प्लान है जी? बस भगवान को याद करते रहेंगे हम। एक काम करो। हाँ जी। हम ना तुमको भगवान के पास भेज रहे हैं, दर्शन करोगे ना उनके? जी क्यों भी? इधर इधर घूमे, दिमाग खराब कर दी सारा यार, इन दर्शन लोग तो तंग आ गए। तो दोबारा से आ चुके कैमरामैन पुचकीराज के साथ, पांडे जी का बेटा। तो एक बंदा दिख रहा है पढ़ा लिखा, तो चलो हम उससे पूछते हैं कि कोरोना में उसको क्या रहा है। चलो। अरे भैया तो आप हमें थोड़ा पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो आप देख सकते कोरोना वापस आने वाला है। तो कहाँ आया है वापस? अरे न्यूज वगैरह नहीं देखते? न्यूज वगैरह नहीं देखते क्या आप? क्यों, हमारा बिजनेस है, हम क्यों देखेंगे? अजय बिजनेस संभालना होता है, हमारी तरह वेले थोड़ी है कैमरा उठा। अरे हाँ भैया, थोड़ा मेरे को पता है आपको अब छक्का लगने वाला है। हाँ बोलिए बोलिए। चाइना वालों ने फिर से चमगादड़ खाने स्टार्ट कर दिए हैं,
तो कोरोना वापस आ चुका है, तो आप बताइए आप आपके बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? हमारे बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोरोना पहले भी आया था, हमारा तो बिजनेस चल गया, हमने मास्क का बिजनेस, मास्क काट देना इसको, क्या कहते हैं उसको, मास्क का बिजनेस खोला था तो काफी अच्छा चल गया। हमने क्या किया, हमने छतों पे लोगों के जो कच्चे होते हैं हमने उनको चुराया, हमने मनी हाइस्ट जो है वेब सीरीज देखी थी, हमने उनको चुराया। एक सेकंड टोपी लगा लूँ, मनी है वेब यार थोड़ा पीछे रखो ना माइक यार। हमने जितना हो सके हमने आस पड़ोस के कच्चे चुराए, हमने उनको बीच में से काट के हमने उनके मास्क बना के बेचे, और यकीन मानिए लोगों ने बहुत पसंद किया हमारा प्रोडक्ट, कहते हैं आपके मास्क में से खुशबू भी आती है। बताइए अब ऐसा बिजनेस क्यों नहीं चलेगा? अरे भैया आपने खरीदे हमारे मास्क, अरे इतनी बढ़िया खुशबू आती है, मैंने नहीं सूंगी, कोच नेवर प्लेस, कभी देखा है फुटबॉल की कोच खुद खेलता है, नहीं खेलता, हमने नहीं सूंगे, आप सूंघ के बताएंगे, मांगिए इसको सूंघ के देखिए अच्छी है, ये कैसा रिएक्शन दिया आपने? अरे भैया बहुत। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में कि मास्क पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए? बीए तक पढ़ाई की है और कोरोना वापिस आ रहा है, अब देखिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको कहाँ से पता होगा, है ना, मतलब अरे ओ, ओ, उनका बोल रहा है, अरे अरे औकात में रहो, अपनी दीड़ भेद के मारे मर जाओगे हमारी आवाज दबाना चाहते हो, और आप देख सकते हैं कि मैं हूँ रिपोर्टर पूछता हूँ भारत, हम अपनी आवाज दबाने नहीं देंगे, हम इनसे सवाल पूछ के रहेंगे, दबेंगे नहीं, हमें सवालों में जवाब चाहिए। अरे ऐसा क्या बोला, क्या कौन कौन कह रहा है हम पढ़े लिखे नहीं? अरे कौन, अरे देख रहे ऐसा लगते हैं आप पढ़े लिखे बीएससी की डिग्री की जाए फिक्री यू डोंट पढ़े लिखे लगते ही नहीं, पढ़ा लिखा लगता है पढ़ा लिखा। अरे भैया कैमरा पढ़ा लिखा है तू, है तू पढ़ा लिखा तू होगा ना, तभी मैं ये नहीं लग रहा पढ़ा लिखा मेरे को, ऐसा तो चेहरे से ये भी कच्चा चोर नहीं लगते, पर ये कच्चा चुरा के मास्क बनाते हैं ना, बिजनेस है वो हमारा, तुम कच्चा चुराते हो लोगों का, हमारा कच्चा हम सुखाए हम खाए हम उच्च। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कोरोना के बारे में बात करने आए थे, ये टॉपिक से भटक रहे हैं पर हम इनको भटकने नहीं देंगे। अरे भैया कोरोना के बारे में बात चल रही थी, तुम अपना खत्म करो हमको घर जाना। हाँ तो भैया हम कहा था, जाओ यार तुम घर जाके सुपारी खानी है, डिस्टेंस बना के रखिए आप, शांति का हम दोनों से सवाल पूछे जाएंगे, दोनों को बराबर मौका दिया जाएगा, ठीक है? मैं ऐसे यार 2023 में दोबारा कोरोना आने वाला, तो इस बारे में आपको क्या राय है कि पढ़े लिखे और अनपढ़ लिखे लोग गलती क्या करते हैं आज के टाइम पे? आप ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, ये जो गुटखा खा खा के जमीनों पे फेंकते हैं, आप खुद बताइए गुटखा खा के जमीन पे फेंक रहे हैं, उससे कोरोना नहीं बढ़ेगा? अच्छा नहीं बढ़े, अच्छा तुमको विमल का पता है? अरे विमल में केसर होता है, केसर हमको मजबूत बनाता है, तुम विमल के बारे में कहोगे हैं? अररे विमल का पैकेट खाते हैं भैया हम, उसमें कितना किसान, अरे दाने दाने में केसर का था भैया, मोटे होते हैं हम, क्यों नहीं तुम थूकते, हम उसकी बात कर रहे हैं, फिर थूकेंगे। अरे फिर तुम्हारी गलती, सुनो तुम जो पढ़े लिखे लोग हो जाके ठेके पे लाइन लगाते हो क्लब में जाके, उसको थूकते तो नहीं है जमीनों पे, फिर थूकेंगे, ये हमारा असूल है, बोलो कोरोना दोबारा आ रहा है, छुनने में आ रहा है कि पिछले लॉकडाउन में हमारा क्या से क्या मतलब कारोबार में क्या वो फर्क पड़ा है, थोड़ा बहुत पूछना चाहते हैं। और फिर क्या हमारा उठना करवा दे दादाजी को, क्या घसीट रहे हो हमारे, नहीं हमसे बात करो, अरे भैया उनको काहे घसीट रहे हो, सवालों से भटकाने जाते, पर हमें एक समझदार बुजुर्ग मिल चुके हैं, हम इनसे सवाल जवाब करना चाहते हैं कि कोरोना में इनका क्या से क्या। तो आपका नाम सबसे पहले, तो आपका नाम मत पूछो भैया, कि कोरोना दोबारा आने वाला है तो बच के रहो, दूरी बना के रखो, इतना नजदीक में आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो बुझा लगता है दूसरे देखेंगे तो कहेंगे ये लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझदार व्यक्ति मिला पिछले दो के हम दोबारा मिले पिछले, तो इनके कहने का मतलब क्या है मुझे कुछ समझ से परे है मेरे, मैं बताता हूँ ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, बैंकों में जाके देख लो इनकी लाइनें टूटी पड़ी होती है, सबसे पहले इन्हें कोई काम कराना होता है, क्यों हमारी बात सुनो ना, बैठने की जगह हम वहाँ जा रहे हैं पैसा निकलवाने, अरे आधा घंटा लाइन लगी है, क्या करेंगे भाई, लाइन में नहीं लगेंगे क्या करेंगे, क्लब में जाते हैं ये लोग, अरे बैंक में तो बहुत कम लाइन होती है, क्लब में जाके
ये चपचल नहीं क्या है ये है गो में तुम्हें लाइन लग रही है तो तकलीफ है क्लब में लाइन लग रही है तो बल्ले बल्ले है चुप चुप कोई लड़ा ना बिहारी बोलने वाले पता नहीं है तुम कर रहे थे हमारा दिमाग नचा के ना इसे पकड़ेंगे तुम्हें रिपोर्टिंग नहीं करनी मेरे को साल देख सकते जैसे कि जनता ने बिल्कुल हमारे समझ से परे हो चुकी है ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे मास्क नहीं पहन रखे इन्होंने ठीक है डिस्टेंस की वाला ऐसे सरकार को समझता ही नहीं है कुछ सरकार को हम देखो कितनी मेहनत करके यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आते हैं अपनी जान पे खेलकर हमारे यहाँ पे आते हैं इनके ये चीजें दिखाने के तब भी ये समझते नहीं यार कि बंद कर दे यार मैंने रिपोर्टिंग ही नहीं करनी मैंने छोड़ देखो हम दोनों की लड़ाई चलती रहेगी पर कोरोना से लड़ने की बारी हमारी है कोरोना आ रहा है इसीलिए अगर आप चाहते हैं लॉकडाउन ना लगे घर पे रहें अपने परिवार का ध्यान रखें और सबका ध्यान रखें और हाँ कुछ नहीं।